हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972। मैं आपके लिए इस वीडियो में तीन अपडेट लेकर आया हूं, एक असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड, एक पीएचडी से रिलेटेड और एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती से रिलेटेड। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से रिलेटेड अपडेट की। ये आप देख सकते हैं, प्राचार्य महाविद्यालय विकास समिति माँ जालप्पा देवी राजकीय महाविद्यालय तारानगर चूरू के द्वारा ये 14 जुलाई को जो है प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। और ये किससे रिलेटेड है, इस महाविद्यालय में पूर्णतया अस्थायी व अंशकालीन आधार पर सत्र 2023-24 हेतु निम्नानुसार सहायक आचार्य या कर्मचारियों की आवश्यकता है। इच्छुक अभ्यर्थी 20/7/2023 तक व्यक्ति से या डाक द्वारा आवेदन प्रस्तुत करें। ठीक है, तो इस महाविद्यालय के द्वारा ये टेम्परेरी अस्थायी रूप से जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की चार पोस्टों के लिए विस्तृत आवेदन फॉर्म जो है वो आमंत्रित किए गए हैं। और लास्ट जो डेट है ऑफलाइन आवेदन की वो 20 जुलाई है। ऑफलाइन आवेदन है, 20 जुलाई तक आपको करना है। आप चाहें तो व्यक्तिगत जा करके और अपना आवेदन फॉर्म जो है कॉलेज में जमा करा सकते हैं, या बाय डाक भी आप जो है आवेदन फॉर्म भेज सकते हैं। तो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो भी आप देख सकते हैं। इसमें दो विषय के लिए आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं, सहायक आचार्य वनस्पति, इसमें दो पोस्ट हैं, और सहायक आचार्य प्राणीशास्त्र, इसमें दो पोस्ट हैं। तो दो सब्जेक्ट के लिए, दो दो पोस्ट के लिए जो है ये और आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। ये पीजी की क्लासों के लिए जो है आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। तो वेतन के बारे में देखेंगे तो महाविद्यालय विकास समिति के निर्णय के अनुसार, यानी ये जो आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं ये SFS के अंतर्गत आमंत्रित किए गए हैं, मतलब सेल्फ फाइनेंस स्कीम, महाविद्यालय के अंदर स्ववित्त पोषित योजना के तहत ये दोनों जो है पाठ्यक्रम संचालित होते हैं, और उनके तहत ये महाविद्यालय विकास समिति जो है वो वेतन का निर्णय करेगी कितना वेतन दिया जाना चाहिए। ठीक है, अब विशेष विवरण क्या है, आवेदन कौन कर सकता है, UGC योग्यताधारी जो अभ्यर्थी है वो आवेदन कर सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें कॉलेज शिक्षा विभाग या विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त शिक्षक को प्राथमिकता दी जाएगी, ये लिख रखा है सेवानिवृत्त शिक्षक को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई भी रिटायर जो प्रोफेसर होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर होगा, वो यहाँ पर जाकर के कॉलेज के अंदर काम करना पसंद नहीं करेगा, ये आप मान के चलिए। इसलिए यहाँ पर कोई भी रिटायर शिक्षक नहीं पहुँचेगा, आप बिल्कुल तैयार हैं। आपको जो है अगर आप योग्य हैं, UGC योग्यताधारी हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर देना बिना डरे हुए। ठीक है, ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि गवर्नमेंट से रिटायर जो प्रोफेसर है वो कोई नहीं जाएगा यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। अब UGC योग्यताधारी का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि संबंधित विषय में आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और उसमें कम से कम आपके 55% जो है आने चाहिए, यानी 55% मार्क्स के साथ में आपके पास में उस विषय के अंदर मास्टर डिग्री होनी चाहिए। दूसरी बात, आप उस विषय के अंदर UGC के द्वारा या CSIR के द्वारा जो नेट एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है वो नेट क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है, अगर वो नहीं है तो स्टेट जो पात्रता परीक्षा होती है SAT या SLET, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है, अगर ये भी नहीं है तो आप जो है PhD या MPhil क्वालिफाइड होने चाहिए। लेकिन PhD और MPhil जो है वो आपकी वही वैलिड होगी जो आपने UGC रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग की है। ठीक है, तो इसके अंदर टॉप मेरिट वाले जो अभ्यर्थी होंगे उनको, उनका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, ये तो थी असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड अपडेट। इसके बाद में ये एक बागवान की पोस्ट के लिए भी आवेदन फॉर्म आमंत्रित किया गया है, तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद में दूसरी जो अपडेट है इसी के अंदर, ये है राजकीय कृषि महाविद्यालय तारानगर। ठीक है, इसके अंदर भी कार्मिकों की ये रिक्वायरमेंट है, यही लास्ट तारीख इसकी है 20 जुलाई। व्यक्तिगत रूप से या डाक के द्वारा आप आवेदन कर सकते हैं। ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, कोई अभ्यर्थी इच्छुक है। ठीक है, वेतन आयुक्तालय के निर्देशानुसार दिया जाएगा। अभ्यर्थी केवल रिक्स को होमगार्ड या सेवानिवृत्त श्रेणी से होना चाहिए। ठीक है, ये तो साथ में जुड़ी है इसलिए आपको बता रहा हूँ मैं। अब दूसरी जो अपडेट है जो आपके काम की है वो है PhD से रिलेटेड अपडेट। इसमें दो अपडेट लेकर आया हूँ, एक RU से रिलेटेड है और एक
आपकी डीयू से रिलेटेड है। तो सबसे पहले देखिए आरयू से रिलेटेड पीएचडी अपडेट, ये आप देख सकते हैं। पीएचडी 10 अंक इंटरव्यू और 20 अंक शैक्षणिक योग्यता के, आरयू में 2 साल बाद पीएचडी प्रवेश परीक्षा होगी। अगर आप पीएचडी नहीं हैं और पीएचडी करना चाहते हैं तो राजस्थान यूनिवर्सिटी जो है पीएचडी के लिए जल्दी एंट्रेंस एग्जाम आयोजित करने जा रही है, और उसके अंदर प्रवेश जो है वो भी आसान कर दिया गया है कि प्रवेश के जो अंक हैं उनको लेकर के बड़ा बदलाव किया है, और उससे अभ्यर्थियों को निश्चित रूप से इसका फायदा मिलेगा। अब क्या कर दिया गया है कि आपके 10 अंक तो इंटरव्यू के जोड़े जाएंगे और 20 अंक जो है वो शैक्षणिक योग्यता के जोड़े जाएंगे। पहले इंटरव्यू का जो भार था वो ज़्यादा था, उस वजह से अभ्यर्थियों का सिलेक्शन नहीं हो पाता था। तो आप देख सकते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी ने पीएचडी एंट्रेस्ट में साक्षात्कार के अंकों को लेकर के बड़ा बदलाव किया है। प्रवेश परीक्षा के 70% अंक और साक्षात्कार के 30% अंक होते थे। ये पहले का फॉर्मेट था कि रिटर्न एक जो सॉरी आपकी एंट्रेंस एग्जाम होती थी उसके 70% जुड़ते थे, और 30% जो थे वो आपके इंटरव्यू के जुड़ते थे, और उसके आधार पे मेरिट बनाई जाती थी और पीएचडी के अंदर अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन किया जाता था, सिलेक्शन होता था। लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया। देखिए अब साक्षात्कार के 10 अंक और 20 अंक शैक्षणिक योग्यता के रहेंगे, ठीक है, यानी इंटरव्यू के 10 नंबर हो जाएंगे आपके और 20 नंबर जो है वो आपकी शैक्षणिक योग्यता के हो जाएंगे। तो इस प्रकार से 30 नंबर हो गए, तो यानी शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों को इसका फायदा निश्चित रूप से मिलेगा। इसमें 12वीं स्नातक व पीजी में प्राप्तांक प्रतिशत के हिसाब से अधिकतम अंक तय कर दिए गए हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि 2 साल से यहाँ पीएचडी प्रवेश परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ है। यूजीसी के पीएचडी रेगुलेशन 2022 में अभ्यर्थियों को लेकर विसंगति थी, और इस विसंगति को अब दूर कर दिया गया है। तो अंकों का जो बंटवारा किया गया है वो आप देख सकते हैं, शैक्षणिक योग्यता के अंकों का जो बंटवारा किया गया है वो किस प्रकार से किया गया है। यूजी पीजी के अंकों का बंटवारा यूजी और पीजी दोनों को मिला करके, और इसमें देख सकते हैं कि अगर आपके 55% से 60% तक मार्क्स हैं तो आपको 4 अंक मिलेंगे। अगर 60.1 से लेकर के 65% तक मार्क्स आए हुए हैं तो आपको 5 अंक मिलेंगे। 65.1% से लेकर 70% तक मार्क्स आए हुए हैं तो 6 अंक मिलेंगे, और 70.1% या इससे अधिक आपके मार्क्स आए हुए हैं तो आपको 7 अंक मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए यूजी में अधिकतम 5 अंक, ये यूजी का देखिए, यूजी में अधिकतम 5 अंक। अब यूजी में आपको कितने नंबर दिए जाएंगे, अधिकतम 5 नंबर दिए जाएंगे। वो किस आधार पे दिए जाएंगे, देखो अगर आपके यूजी में 55% से 60% तक आए हुए हैं तो 2 नंबर दिए जाएंगे, 60.1 से 65% तक आए हुए हैं तो 3 अंक दिए जाएंगे, 65.1 से 70% तक आए हुए हैं तो 4 अंक दिए जाएंगे, और 70.1 से अधिक अंक आए हुए हैं तो आपके 5 नंबर आपको यूजी के अंदर दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप नेट हैं या सेट हैं या एमफिल क्वालिफाइड हैं तो आपको 5 अंक प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये जो है शैक्षणिक योग्यता के का स्कोर कार्ड जो वो तैयार किया जाएगा, ठीक है। अब तीसरी महत्वपूर्ण डीयू से जुड़ी हुई अपडेट है, पीएचडी प्रोग्राम से जुड़ी हुई अपडेट है, ये भी आपके लिए देखना जरूरी है। देखिए डीयू के पीएचडी प्रोग्राम में पंजीकरण शुरू, खुला पोर्टल। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है उसके अंदर रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। पूरी न्यूज़ देखिए, शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 2 अगस्त तक चलेगी। लास्ट जो डेट है ऑनलाइन पंजीकरण की, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, वो कितनी है, 2 अगस्त है, ठीक है। तो देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए विभिन्न पीएचडी प्रोग्रामों में दाखिले के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके साथ ही पीएचडी दाखिला पोर्टल भी सक्रिय हो गया है। पंजीकरण की यह प्रक्रिया बुधवार 2 अगस्त तक चलेगी। पीएचडी प्रोग्रामों में पंजीकरण और प्रवेश की प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। पंजीकरण प्रक्रिया समाप्त होने के बाद साक्षात्कार प्रक्रिया 16 अगस्त से शुरू हो जाएगी, जो 16 सितंबर तक चलेगी। पंजीकरण ये जो वेबसाइट है या पोर्टल है इसके ऊपर आप जो है अपनी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए पीएचडी पंजीयन पोर्टल एक शैक्षणिक वर्ष में एक से अधिक बार खोला जाएगा।
पहले चरण के लिए केवल वही उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे जो यूजीसी नेट जेआरएफ सहित या यूजीसी सीएसआईआर नेट जेआरएफ सहित आयुष नेट डीबीटी जेआरएफ आईसीएसआर जेआरएफ डीएसटी इंस्पायर या समकक्ष राष्ट्रीय स्तरीय परीक्षा फेलोशिप डीआरसी द्वारा आइडेंटिफाइड गेस्ट या टीचर फेलोशिप धारक के आधार पर पात्र हैं। तो ये जितने भी योग्यता है इनमें से जो योग्यताएं धारण करने वाला जो अभ्यर्थी है वो ही पहले चरण के अंदर ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है पीएचडी के लिए, ठीक है। दूसरे चरण के में सभी पात्र उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। जब दूसरा चरण स्टार्ट होगा तो फिर कोई भी जो पीजी किया हुआ है, ठीक है, वो उसमें आवेदन कर सकता है, लेकिन फर्स्ट चरण के अंदर तो जो क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं वो ही आवेदन कर सकते हैं। हालांकि जो उम्मीदवार प्रवेश परीक्षा में उपस्थित होने के आधार पर पात्र होंगे उन्हें प्रवेश परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद में साक्षात्कार के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, ठीक है। पीएचडी के लिए एससी एसटी पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए पंजीकरण शुल्क ₹300 प्रति प्रोग्राम और सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए ₹750 प्रति प्रोग्राम है। यह आपका क्या है, शुल्क है, पंजीकरण शुल्क है, रजिस्ट्रेशन शुल्क है। दाखिले के लिए फीस का भुगतान 27 सितंबर तक किया जा सकता है। विश्वविद्यालय की ओर से उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि पंजीकरण के समय सूचना बुलेटिन को जरूर पढ़ें। इसके साथ ही दाखिले से संबंधित सभी सूचनाओं और अपडेट के लिए विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको देखें, ठीक है। तो ये अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं डीयू से तो आपके लिए न्यूज़ जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अगली जो न्यूज़ है वो भी आप देख सकते हैं, ये है आपकी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सिद्धि भर्ती से जुड़ी हुई। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि का विस्तार, ठीक है। ये असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव के 44 अस्थायी पदों को भरने की अंतिम जो तिथि 15/7/2023 से बढ़ाकर के अब 21/7/2023 कर दी गई है। इच्छुक आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के साथ आवेदन शुल्क चार्ज के साथ भुगतान सहित 21/7/2023 मध्य रात्रि से पहले या उससे पहले पूर्ण करनी होगी। तो ये असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव के 44 पदों के लिए ऑनलाइन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। अगर आप योग्य हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो 21 जुलाई तक जो है आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ पर वीकेंसी निकली है, किस प्रकार से कितने पद हैं, वो भी मैं इसके अंदर आपको बताऊंगा। देखिए, विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि, विज्ञापन जो प्रकाशित किया गया था 15 जून 2023 को किया गया था। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए खुलने की तिथि है 21/6/2023 से फॉर्म स्टार्ट है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की समापन तिथि है 21 जुलाई मध्य रात्रि तक, ठीक है, 21 तारीख तक भरे जाएंगे। लिखित परीक्षा की संभावित तिथि है 20/8/2023। रिटर्न टेस्ट होगा, रिटर्न टेस्ट की जो संभावित डेट है वो 20 अगस्त को है। अब इसमें कुल कितनी पोस्ट हैं अलग अलग जो है कैटेगरी वाइज वो भी आप देख सकते हैं। तो इसमें सामान्य जो पोस्ट हैं वो है टोटल 23, ठीक है, जिसमें 11 पुरुषों की है और 9 महिलाओं की है, और 3 पोस्ट है ESM की। OBC की जो टोटल पोस्ट है वो 9 पोस्ट हैं जिसमें 4 पुरुषों की है, 4 महिलाओं की है और 1 ESM की है। SC के अंदर टोटल जो पोस्ट है वो 8 है, इसमें 5 पुरुषों की है, 2 महिला की है और 1 ESM की है। EWS के अंदर टोटल जो पोस्ट है वो 4 पोस्ट है जिसमें 1 पुरुष की है और 1 महिला की है। इस प्रकार से टोटल जो पोस्ट है वो 44 पोस्ट हैं जिसमें 23 पोस्ट पुरुषों की है, 16 पोस्ट महिला के लिए है और ES के लिए 5 पोस्ट है। योग्यता क्या है अप्लाई करने के लिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या इसके समकक्ष, ठीक है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास में अगर UG की डिग्री है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर तो आप इसमें आवेदन के लिए योग्य हैं। अभी आवेदन किसके द्वारा आमंत्रित किए गए हैं, तो ये आवेदन जो है ये आपके सामने आप देख सकते हो, ये चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा आमंत्रित किए गए हैं, ठीक है। अगर आप इनके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, आवेदन फॉर्म के बारे में, निर्देशों के बारे में, तो चंडीगढ़ पुलिस की ये आधिकारिक वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाकर के आप पूरी विस्तार के साथ में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये इसके साथ जिन उम्मीदवारों ने 15/6/2023 को प्रकाशित भर्ती सूचना के तहत पहले ही अपना ऑनलाइन आवेदन जमा कर दिया है उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
ठीक है। तो ये आपके लिए मैं अपडेट लेकर आया था, आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।